flow calorimeter. Students, flow calorimeter generally liquid substance की specific heat capacity find करने के लिए use किया जाता है. ये एक simplest form of flow calorimeter का diagram मैंने आपके सामने बनाया हुआ है. ये एक cylinder के समान है, cylindrical body है. इसमें से हम एक side से liquid को भेज रहे हैं constant rate से, और वही liquid दूसरी side से निकल जाता है. Liquid जो है कुछ समय बिताता है इस सिलेंडर के अंदर, और उतने समय तक हम कांस्टेंट रेट से एनर्जी का सप्लाई करते हैं लिक्विड के अंदर. यहाँ पे हमने एक पावर सोर्स लगा रखा है जो हीट को अंदर भेज रहा है, एनर्जी को हम सप्लाई करें कांस्टेंट रेट से. तो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जो लिक्विड हम अंदर भेज रहे हैं वो लिक्विड को एनर्जी मिलने लगती है, जिसके कारण से लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ने लगता है. तो जो लिक्विड हमने भेजा था अंदर, सपोज T1 टेम्परेचर पे, अब वो एनर्जी गेन करेगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा T2 शुड बी ग्रेटर देन T1, है कि नहीं. और फाइनली हम उसको निकाल लेंगे वहाँ से. इस तरीके से लिक्विड आता जाएगा और लिक्विड बाहर भी निकलता जाएगा. जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कुछ देर तक, एक्सपेरिमेंट शुरू करने के कुछ देर तक हम पहले लिक्विड को यूँ ही फ्लो होने देते हैं ताकि ये जो सिस्टम है पूरा स्टडी स्टेट में आ जाए. स्टडी स्टेट में आने का मतलब ये हुआ कि अगर इस कैलोरीमीटर के अंदर मैं कोई भी पॉइंट ले लूं तो वहां पर वाटर का टेम्परेचर जो है अब कांस्टेंट हो जाएगा. मतलब अगर मैं यहां पे थर्मामीटर डाल दूं जैसे ये, तो यहां पर जो टेम्परेचर होगा स्टूडेंट्स, अब वो कांस्टेंट रहेगा. मान लिया टी है तो वो टी अब बदलेगा नहीं. देखो स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में यहां पर जो पानी आया होगा उसका टेम्परेचर जो है बढ़ना स्टार्ट हुआ. ऐसा कभी नहीं होगा कि वो बढ़ता रहेगा यहां का टेम्परेचर, ऐसा नहीं होगा. अगर बढ़ता रहेगा तो लाखों हो जाएगा टेम्परेचर, होती तो हीट दी थी हमने. तो क्या होगा, हर एक पॉइंट का टेम्परेचर थोड़ा बहुत बढ़ेगा और फिर कांस्टेंट हो जाएगा. तो वो है यहाँ का टेम्परेचर, स्टडी स्टेट टेम्परेचर हर एक पॉइंट पर, अब वो सेम रहेगा. मतलब कैलोरीमीटर के अंदर किसी भी इंस्टेंट पे जो पानी मौजूद है उसका टेम्परेचर अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो भी हो चुका है वो कांस्टेंट रहेगा. अब क्या होता है, हम कंटिन्यूसली हीट सप्लाई कर रहे हैं. सपोज छोटा सा टाइम लेते हैं डी टी टाइम में क्या होगा स्टूडेंट्स, कुछ डीएम मास अंदर चले जाएगा और कुछ हीट चली जाएगी अंदर. कितनी हीट चली जाएगी, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू पी इंटू डी टी, है कि नहीं. इतनी हीट चली जाएगी. कितना मास अंदर चला गया, तो डीएम बाई डी टी इस रेट से जा रहा है, मतलब डीएम मास अंदर चले जाएगा और उतना ही मास बाहर भी निकल जाएगा, क्योंकि कुछ मास अंदर तो रह नहीं रहा है कि नहीं. स्टूडेंट्स, ये मास आया डीएम अंदर और वो डीएम उसी उतने ही टाइम में बाहर निकल जाएगा. ये जो डीएम मास आया है उसका टेम्परेचर क्या था पहले T1, और जो डीएम मास निकला है उसका टेम्परेचर कितना है T2. तो ये जो हीट गई है PDT, ये कहाँ गई होगी, तो ये जो डीएम है इसका टेम्परेचर बढ़ाने में तो गई है. जो बीच में जितना भी वाटर है उसका टेम्परेचर बदला ही नहीं, मतलब हमने कुछ हीट ली नहीं है. ये मास आया था डीएम, इसने पूरी हीट ले गई है. हम लिखेंगे डीएम इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड इंटू डेल्टा टी हमें पता है T2 - T1. तो इस तरीके से मैं लिखूंगा पावर इज इक्वल टू dm by dt स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ लिक्विड इंटू T2 - T1. हम स्टडी स्टेट की बात कर रहे हैं, एट स्टडी स्टेट. स्टडी स्टेट का मतलब मैंने बता दिया है कि हर एक जगह पर कैलोरीमीटर के अंदर हर एक पॉइंट पर टेम्परेचर क्या रहेगा, अब सेम रहेगा. तो पावर हमें पता है, dm by dt हमें पता है किस रेट से हम लिक्विड को भेज रहे हैं. ये जो T2 - T1 है ये कांस्टेंट है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड हमें मिल जाएगा. ये तरीका है स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ लिक्विड निकालने का. ओके स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल करते हैं फ्लो कैलोरीमीटर पे. आप चाहें तो इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, वीडियो पॉज कर लो. अगर आपको समझ में आ गया है फ्लो कैलोरीमीटर क्या है तो आप इसको पॉज कर लो, खुद क्वेश्चन पढ़ो और अटेम्प्ट करो. ठीक है, मैं इसे अभी समझाने जा रहा हूँ. क्वेश्चन है, ए फ्लो कैलोरीमीटर, फ्लो वाटर हीटर, मतलब उसको गीजर बोलते हैं. फ्लो वाटर हीटर मतलब गीजर, वाटर हीट करने के लिए हम घर में गीजर लगाते हैं. हैज एन इलेक्ट्रिकल पावर रेटिंग ऑफ 2 kW. 2 kW मतलब ये इस रेट से हीट देता है. एंड एफिशिएंसी ऑफ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इनटू हीट इज 80%. मतलब जो पावर जा रही है उसका कितना परसेंटेज कन्वर्ट हो रहा है, वो 80% है. मतलब 2 kW जा रही है तो 2 kW का 80% ही हीट में कन्वर्ट हो रहा है जो वाटर को मिल रहा हुआ.
If the water is flowing through geyser at the rate 100 gram per second, then an inlet temperature is 10 degrees Celsius, then find the outlet temperature of water. देखो स्टूडेंट्स यही डायग्राम है एग्जैक्टली वाटर आ रहा है ठीक है किस रेट से आ रहा है तो 100 ग्राम पर सेकेंड इस रेट से आ रहा है जो इनलेट टेम्परेचर है वो कितना है 10 डिग्री सेल्सियस और पावर किस रेट से अप्लाई हो रही है तो 2 किलो वाट या ये कहें कि 2000 जूल्स पर सेकेंड इस रेट से पावर सप्लाई हो रही है ना तो हमसे पूछा है स्टूडेंट्स कि फाइनल टेम्परेचर T2 क्या हो जाएगा तो अभी अभी हमने देखा था क्या फॉर्मूला था पावर इज इक्वल टू dm by dt into स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड यहाँ पे वाटर है into डेल्टा T फाइनल T2 माइनस T1 यही तो फॉर्मूला लगाना है पावर किस रेट से आ रही है तो 2000 क्या ये सारी की सारी पावर वाटर को मिल रही क्या नहीं इसका 80% तो into एफिशिएंसी सपोज ईटा जो है एफिशिएंसी का सिंबल है तो मैं लिखूंगा 0.8 into 2000 ये है एग्जैक्टली हीट जो वाटर को मिल रही होगी पर सेकेंड कितना मास आया एक सेकेंड में अंदर 100 ग्राम चाहे तो हम इसे केजी में कर लेते हैं तो 100 बाय 1000 केजी into स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितना होगा 4200 जूल्स पर केजी into T2 माइनस T1 तो T2 माइनस इनिशियली क्या था 10 तो अब जो अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में पुट करूँगा तो T2 भी डिग्री सेल्सियस निकल के आएगा स्टूडेंट्स अगर मैं टेम्परेचर केल्विन में पुट करता तो यहाँ पर भी केल्विन में निकल के आता टेम्परेचर मैंने डिग्री सेल्सियस से पुट किया है तो डिग्री सेल्सियस में ही निकल के आएगा फाइनली आंसर क्या आ जाएगा देखते हैं T2 इज इक्वल टू 13.8 डिग्री सेल्सियस एकदम सिंपल तो ये स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल हो गया फ्लो कैलोरीमीटर का आई होप आपको फ्लो कैलोरीमीटर क्या होता है समझ में आया होगा ओके स्टूडेंट्स हैप्पी लर्निंग